ते तब स्मित कर्पूर वासित किशोरी जी जब बोलती हैं तो कहते हैं स्मित पुरेण वासितम सुगंधितम। श्री कृष्ण की वाणी कैसी है, हरिप्रिया जी की कैसी वाणी है, तो स्मित मधुर मधुर मुस्कान युक्त वाणी, भासितम पीयूषम, वो श्री कृष्ण वो प्रिया जी की वाक्यामृत, मया किम न श्रोत्राभ्याम नयनाभ्याम सेविष्यते। प्रिया जी के वाणी को मैं अपने नयन द्वारा और श्रोत्र द्वारा सेविष्यते, क्या मैं सेवन कर पाऊंगी। प्रिया जी के वाणी को दो चीज से सुन रहे हैं, नेत्र से और कान से। बोलते समय प्रिया जी की मुखमंडल की कैसी स्थिति बन जाती है, इसका आचार चरण अनुभव कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ मधुर वाक्यामृत का, यही विरह की स्थिति है। राधा माधव की जो अटूट माधुरी मधुरिमा जो धारा है, उसका आस्वादन किए जा रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, और एक अखंड आनंद ही, एक बार सुख और एक बार दुख, मिलन में सुख और विरह में दुख, ये दोनों का अनुभव करते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो रस है ये प्राकृतिक इंद्रियों के गम में नहीं है। प्रिया प्रीतम के जो दिव्य विलास है, उनकी वाणी है, उनकी हाव भाव है, उनकी लीला माधुरी है, ये प्राकृतिक इंद्रियों के गोचर नहीं है। यदि हम लोग सोचे कि उस रस का आस्वादन कर सके तो असंभव है, नहीं हो सकता है। जब तक किशोरी जी की कृपा प्राप्त न हो तो ये लीला कभी वैसा दर्शन हो नहीं सकता है। जब साधन भजन परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, भजन करते करते चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उस समय ये लीला स्वतः स्फुरण होता है और उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। जो भगवत भजन से लीला की अनुभूति होती है, अब हृदय जब परिपक्व हो जाता है तो अपने आप लीला स्फुरण होने लगता है और साधक के आंखों के आगे पीछे सर्वत्र वह लीला स्फुरित होने लगती है। त्रिवी यदि उस भाषा को वर्णन करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस रस को एक बार स्वादन करने के बाद जीव में वर्णन करने की ताकत नहीं रह जाती। यह आनंद चिरस्थाई होता है, ऐसी बात नहीं कि एक बार आनंद आ जाए फिर नष्ट हो जाए, नष्ट नहीं होता है। वो रस नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। हम लोग कल कथा श्रवण किए थे कि प्रिया जी राधा कुंड के तट पर प्रिया प्रीतम के साथ जो विलास चल रहा है, अब विलास में बहुत लेट हो गया, उसी समय मुखरा आई और मुखरा आकर के कहती है कि हे नतिनी हे नातिनी, बेटी की लड़की को नतिनी बोलते, वो कहाँ है। वह बात प्रिया जी देखिए, मुखरा भी प्रिया प्रीतम से मिलन में सहयोग कराती, अभी तक कहाँ रह गई। तो इस बात को सुन करके प्रिया जी बहुत मंद मंद मुस्कुराने लगे और उनके हृदय में जो ये वाणी निकली है, ये मधुर वाणी, उसी वाणी के लिए श्री रघुनाथ दास कहते हैं कि मैं अपने कान से और नेत्र से कब श्रवण करूंगा। नेत्र से भी श्रवण करते हैं, बोलते समय उनकी कैसी स्थिति होती है इसका भी वर्णन करते हैं। तुम्हारी बात अमृत है, जैसे कोई शरबत पिए तो उसमें यदि कर्पूर मिलाया जाए तो पानी पीते समय
उसका सुगंध भी नाक के द्वारा आता है और जीभ उस रस का स्वादन करता है। उसी तरह प्रिया जी के मुख से जो वाणी निकली है, ये वाणी दोनों इंद्रियों को सुख पहुंचा रही है। ये प्रेम का यही स्वरूप है। और खास करके जो प्रिया जी का श्री विग्रह है, वो भाव ही मूर्तिमती होकर के प्रिया जी का स्वरूप। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि प्रेमेर स्वरूप दे, प्रिया जी का नख से सिख तक प्रेम का ही कृति, प्रेमी प्रेम ही से प्रिया जी का रूप धारण किया गया है। प्रेमेर स्वरूप दे प्रेम विभावित, प्रेम विभावित है। और कृष्णा कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगत भी, जगत में संपूर्ण जगत में प्रिया जी के इस रूप का जो वर्णन किया जाता है, केवल प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए ही। ये प्रिया जी का जो रूप है भाव गम्य, ये प्राकृत शरीर जैसा नहीं, वो दिव्य है, भाव गम्य है। भाव से ही महात्मा लोग उस रस की अनुभूति करते हैं और भीतर बाहर दोनों तरफ उस रस से प्लावित होते रहते हैं। प्रेमी महापुरुषों की उनका चेष्टा विकार सब कुछ दिव्य दिव्य होता है, दिव्योन्मान होता है। जब ये महासौभाग्य का समय आता है तभी वह किंकरी इस रूप का अनुभव करती है और आस्वादन करना चाहती है। आचार्य पादगण की यही महावाणी है। हम लोग साधारण जीव, मायाबद्ध जीव, दो प्रकार के जीव है, एक नित्य मुक्त जीव जैसे लीला परकर इत्यादि और एक नित्य बद्ध जीव। हम लोग अनादि काल से माया के वशीभूत हुए तो उस रस का अनुभव हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो उस रस को रस का अनुभव कराने के लिए ही महापुरुष लोग अपने वाणी को इस जगत में छोड़ देते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इस वाणी का यदि कोई अनुभव करता है, आस्वादन करता है, तो उससे रस संचार होता है। आचार्य पादगण की महावाणी ही श्रवण कीर्तन की वस्तु है। इनका बार बार यदि कोई श्रवण करता है, बार बार कीर्तन करता है, तो उसके आनंद जो रस श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिए हैं, उस आनंद को प्राप्त करने का हृदय में लोभ जागृत है। देखिए एक वस्तु प्राप्त कैसे होता है, इसका मुख्य कारण लोभ। तत्र लोलुप्यम, इसमें इसके लिए लोलुपता चाहिए। तो हम लोग बार बार इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जिस रस का स्वादन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी किए, उस रस का अनुभव की लोभ जागृत हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय की हृदय से जो ये प्रार्थना निकला है, वो प्रार्थना के लिए हम लोग व्याकुल हो जाए। कभी मन में ऐसी स्थिति आ जाए कि वो उस रस का चरवण हम करें, श्रवण करें। यहाँ तक कि लिखा गया है श्री चैतन्य चरितामृत में कि इहा जेई एक बार पिए कर्ण द्वार। महापुरुषों के वाणी को यदि एक बार भी कोई श्रवण कर लेता है, एक बार भी सुन लेता है, तार कर लोप है छाड़ते न पाए। बार श्रवण करने का विधान इसलिए कि बार बार यदि हम लोग इस रस का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो मन में लोभ। श्रील चक्रवर्ती पाद जी तो यहाँ तक कहे हैं, यदि कोई महत्पुरुषों के साथ बैठ करके एक सेकेंड भी उस रस का स्वादन कर लेता है, तो वह एक सेकेंड का रस ही उसको खींच करके प्राकृत जगत से अप्राकृत जगत में ले जाता है, लोभ पैदा हो जाता है। इहा जेई एक बार पिए कर्ण द्वार, एक बार भी यदि कोई श्रवण करता है। श्रीमद भागवत में तो लिखा गया है एक उसका एक कण का छींटा भी यदि किसी के कान में पड़ जाए, थोड़ा सा भी, जदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। महापुरुषों के वाणी से निकली हुई जो हरि कथा है, प्रिय प्रियतम की जो दिव्य केली कथा है, उस कथा को यदि एक बार भी कोई श्रवण कर ले या उसकी श्रवण का एक छींटा भी किसी के कान में पड़ जाए, तो उसका द्वंद धर्म मिट जाता है। अब यो संसार में रहते हुए भी संसार के क्रिया से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तार कर्ण लोभ है,
उसको लोभ जागृत हो जाता है, उस रस को पाने की स्प्रिया मन में प्रकट हो जाती है और चाहने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि साधना अवस्था में साधक स्वयं उस रस का आस्वादन करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह रस ही पकड़ लेता है, देखिए भगवान की लीला कथा नाम ये सब चिदघन वस्तु है, एक प्राकृत वस्तु नहीं है। यदि कोई इसका आस्वादन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो वो लीला कथा ही ठाकुर जी को खींच लाता है इसमें। प्रेम भक्ति पाए राधा कृष्ण रचना, वो राधा कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यही बात राधा कुंड के तट पर प्रिया जी के मुख से जो शब्द निकला है ना, हाँ, मुखरा जब बोलती है एक ना और हाँ, क्योंकि ये ब्रज का नियम है कि यहाँ ना में ही हाँ छिपा हुआ है। राधा रानी यदि कहती है ना ना, इसका मतलब हाँ। प्रेम जगत एक ऐसा जगत है जिसका वस्तु विपर्य उल्टा हो जाता है, जहाँ निषेध ही विधि हो जाता है, विधि ही निषेध बन जाता है, ना ही हाँ बन जाता है। जत निषेध एवं विधि, जहाँ निषेध ही विधि है, जहाँ मौन ही स्वीकृति का लक्षण है, ये प्रेम में जहाँ मौन कर बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, यदि मौन हो गया तो उस पता चल जाता है कि ये स्वीकार कर लिया। जहाँ अनुत्तर ही उत्तर है, जहाँ उत्तर न दे यही उत्तर। प्रिया जी का वर्णन करते हैं कि हसती दृशा बदती मृषा, हसती दृशा और बदती मृषा, किशोरी जी का रूप परुषा सरुषा ध्रुवा, उनकी बाड़ी कैसा है तो परुष, परुष बने कठोर, वह कठोर बाड़ी ही प्यारे श्याम सुंदर के कैसा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। यदि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को पकड़ते हैं तो प्रिया जी ना कहती हैं और अपने मणिबंध को छुड़ाने के लिए छुड़ाना चाहती हैं, बल्कि छुड़ाने के बहाने उनको और पकड़ना चाहती हैं। ये प्रेम राज्य है जहाँ की मौन ही स्वीकृति है, स्वीकृति ही मौन है, हाँ ही ना है, ना ही हाँ है, यही बाड़ी यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्रीपाद कहते हैं महाभाव व्याह, जो प्रिया जी के मुख से बाड़ी निकली है उसको श्रोता श्रोताभ्याम नयनाभ्याम के किम से विष्यते मया, क्या मैं अपने कान से और नेत्र से इस रस को मैं श्रवण करूंगा। बाड़ी तो अमूर्त है, देखने की वस्तु नहीं है, बाड़ी को कोई देख नहीं सकता है। देख सकता है, अमूर्त वस्तु मूर्ति तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यह जो प्रिया जी के मुखमंडल से जो बाड़ी निकल गया है उसको मैं कब देखूंगा, अर्थात बोलते समय प्रिया जी की अंग भंगिमा कैसे हुई है वैसे उसको मैं कब देखूंगा, और कान से उस बाड़ी को कब मैं सुनूंगा, कैसे देखेंगे और कैसे सुनेंगे। किंकरी ने कुंज में स्वामिनी के साथ प्रिया प्रियतम से मिला दिया है, और प्रिया जी उस समय बाम भाव को प्राप्त हो गई, और प्रिया जी कहते हैं कि छुओ नहीं, मुझे छुओ मत, मुख पर मृदुमंद मंद मुस्कान है, उसे देखकर दासी समझ गई कि मुंह से तो कह रही है छुओ मत, लेकिन अंतर हृदय से इच्छा है कि हमको जोर से छुओ। यही भाव, वस्तुतः छुओ कहा गया है, कहा गया है ना, लेकिन अंतस्थल में हाँ है। ये मधुर मती बाड़ी को मैं कब श्रवण करूंगा, कब देखूंगा। इस प्रकार बाणी का श्रवण कीर्तन दर्शन दासी श्याम सुंदर को आंखों से इशारा करके उनके साथ उस रस का आलिंगन करती, यही वृद्ध मुखरा जी कह रही है। नतनी बहुत देर हो गई, राधा कुंड की लीला है, हे नतनी बहुत देर हो गई, सूर्य पूजन को नहीं जाएगी क्या,
देखिए मुखर्जी जी के मन में उल्लास है, फिर श्याम सुंदर से प्रिया जी को मिला, ये भी ये लीला सहायिका है। तो मुखर्जी जी कहती हैं कि तुम कब जाओगे, विष्णु जी पूजन का समय हो गया है। स्वामिनी वृद्धा नानी के परिहास करते हुए मृदुहास में उत्तर देती, सोच रही हैं कि मैं कुछ कहूं लेकिन सोच नहीं पा। किसी के हाथ में सूर्य पूजन की जो सामग्री है वो ले लेती हैं और मुखरा जी भी परिहास करती हैं, सूर्य पूजा तो सखियां द्वारा ही हो जाएगी, हमको जाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा मानी प्यारी जी कह रही हैं। तो मुखरा कहती है नहीं नहीं, ये तो आपके ही हाथ से होना चाहिए। तो यही बाड़ी जो कर्पूर वासित वचनामृत है, जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी किंकरी रूप में देखना सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, साक्षात भावमयी की ये भावमयी बाड़ी है। महालक्ष्मी की अंश, महालक्ष्मिया भी जिनकी अंशनी है, कृष्ण प्रिया शिरोमणि विश्वभानुनंदनी, विश्वभानुनंदनी प्यारे श्याम सुंदर की जितनी प्रियाएं हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, ये माधुर्य रस का आस्वादन करती हैं। तो इस रस का जो आस्वादन करने वाले प्रिया जी हैं, इस रस को मैं कब सुनूंगी, कब प्राप्त करूंगी। देखिए जिस रस की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसी रस में हमेशा भाव निमग्न श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, जो गंभीरा में 12 वर्ष तक प्यारे श्याम सुंदर का जो प्यारे श्याम सुंदर के प्रति जो उनका विलाप है, आज भी यदि कोई गंभीरा में जाता है और भाव भावित होकर के कान से श्रवण करना चाहता है तो महाप्रभु का जो विलाप वाणी है आज सुनाई पड़ता है, जो श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में हाहा कहाँ वृंदावन, श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में अपने सिर से दीवार पर रगड़ते हैं और कहते हैं हाहा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ वृंदावन, कैसे मैं वृंदावन को पाऊं, कहाँ गोपेंद्र नंदन, साक्षात नंदन नंदन है, कहाँ से बंसी बदन, कहाँ ये बंसी बदन है, कहाँ ऐसे त्रिठाम तीन अंग से जो सुललित श्री विग्रह है वो कहाँ है, कहाँ से बेड़ू बाण, कहाँ से जमुना पुली, जो विलाप किए हैं रोए हैं गंभीरा के अंदर, उस रस को यदि कोई आस्वादन करना चाहता है तो आज भी गंभीरा में शब्द सुनाई देता है। खास करके इस रस का आस्वादन करने के लिए ही महापुरुष लोग जैसे श्री महाप्रभु का ही उस शिष्टामृत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी काम कर रहे हैं, जो श्याम सुंदर राधा भाव विभावित होकर जो उत्तर गाए हैं, और उसी रस को प्रियालाल का जो दिव्य बिहार है उसी बिहार को बांटने के लिए गौरांग महाप्रभु इस जगत में है, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ने यही विशेषता है, महाप्रभु और कृष्ण का नियम है, भगवान के पास यदि कोई आता है तो भगवान थोड़ा विचार करते हैं कहाँ से आया है कैसा इसकी आचरण है, यदि इसकी आचरण खराब है तो उसे भगवान मिलना नहीं चाहते। लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु ठीक इसके विपरीत, कृष्ण जैसा स्वभाव गौरांग महाप्रभु का नहीं, महाप्रभु का स्वभाव प्रिया जी के स्वभाव से मिलता जुलता है। यहाँ तक कि आचार्य लोग कहते हैं पात्रा पात्र विचारणम कुरुते, श्री गौरांग महाप्रभु पात्रा पात्र का विचार नहीं करते, यदि उनके द्वार पर कोई आए तो यह नहीं देखते हैं वो क्या करके आया है, क्यों आया, ये विचार नहीं करते। पात्रा पात्र विचारणम न करते, एक बार भी यदि उनके दरबार पर कोई आ गया तो महाप्रभु बिना पूछे, यदि अनधिकारी है तो अधिकारी बना करके उस रस का संचार कर दे। यहाँ तक कहते हैं न स्वम परम वीक्षते, यह भी नहीं देखते मेरा है कि पराया है, किस रस के लिए मेरे पास आया है। तो श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा भाव विभावित होकर श्रीमती किशोरी जी के संपूर्ण गुरु को हृदय में लेकर के जो भी आता है
पात्र पात्र का विचार न करके अपने उस गुड धन को, जिस धन को आज तक भगवत स्वरूप कोई दान नहीं किया, उस स्वरूप को श्री गौरांग महाप्रभु देते हैं। दे या दे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये विचार भी नहीं करते। किस समय में आया है, किस टाइम में आया, इस टाइम का भी विचार महाप्रभु कर नहीं करते। नवा काल प्रतीक्षा प्रभु, समय का भी विचार नहीं करते। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसा अवतार आज तक कभी भूमंडल में हुआ ही नहीं, श्री गौरांग महाप्रभु जैसा। यहाँ तक कि सद्य जह श्रवणे क्षण प्रणय, एक बार यदि कोई आ जाता है तो जिस वस्तु को जोगी जति लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करके अपने हृदय में जिस भाव को संचित करते हैं, स्वादन करते हैं, उसी भाव को श्री गौरांग महाप्रभु दे देते हैं। किसको देते हैं? तो कहते हैं कि जो उनके पास आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, चांडाल आ जाए, विद्वान आ जाए, मूर्ख आ जाए, इन लोगों को तो बात छोड़ो, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कीट आ जाए, सर्प आ जाए, हिरण आ जाए, हाथी आ जाए, इसका भी विचार नहीं करते। गौरांग महाप्रभु ने जो ये पात्रा पात्र का विचार भी हटा दिया अपने मन से। यदि कोई आया है पात्र लेकर तो उसको तो दे ही देते हैं, यदि कोई बिना पात्र का आ गया, अनधिकारी व्यक्ति आ गया श्री गौरांग महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु उसको पहले पात्र दे देते, पात्रता प्रदान कर देते, और पात्रता प्रदान करके फिर उस रस का संचार कर देते। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री गौरांग महाप्रभु को इस लीला को देख करके कहे, बस बस अनर्पित, आज तक किसी भगवत अवतारों में ये रस का अवतार नहीं किया, जो श्री गौरांग महाप्रभु सबको बात देते। अर्थात कृष्ण लीला निकुंज में सबका प्रवेश नहीं, राधा माधव निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं, कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन महाप्रभु ने सहर्ष सबको आस्वादन करा। जो कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं और पूरा दे रहे हैं सबको, विलास पुष्पांजलि सबको दिए, तो एक महाप्रभु ने अधिकारी अनधिकारी का विचार न करके सर्वत्र बांटा, सबको बांटा है। महाप्रभु ने सभी को, विश्व को क्या बांटा है? तो दुर्लभ प्रेम भक्ति को, भक्ति रसम सहीव भगवान गौरह परम में गति। श्री गौरांग महाप्रभु ने जो बांटा है प्रेम, वो कौन सा भक्ति बांटा है? तो ही राधा मंजरी। श्री गौरांग महाप्रभु ने एक ही रस बांटा है, किंकरियां जैसे प्यारी प्रिया जी से प्यार करती हैं, जैसे प्रिया जी को सेवा करती हैं, उसी रस को श्री गौरांग महाप्रभु सबको दे, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार इसीलिए होता है। जैसे आचार्य लोग कहे हैं कि गौरांग महाप्रभु का अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो पहला तो है राधिका का भाव का स्वाद, राधा रानी के भाव का, इनका महाप्रभु का अतरंग प्रयोजन कि राधा रानी किस भाव से प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, स्पर्श करती हैं, चिंतन करती हैं, तो उस आंतरिक भाव का आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु के हृदय में लोभ जाग गया है, तो उसी लोभ के लिए, उसी लोभ के प्रयोजन को पूरा करने के लिए गौर का होता है। और दूसरा कारण है भक्ति का वितरण करने के, गौर महाप्रभु भक्ति का वितरण करना है। भक्ति का वितरण माने केवल मंजरी भाव, मंजरी भाव देना, राधा की जितनी मंजरियां हैं, तुलसी मंजरी, रूप मंजरी की हृदय में जो प्रिया जी के प्रति प्यार है, उसी प्यार को बांटने के लिए गौर का अवतार हुआ। और तीसरा काम क्या है? तो युग धर्म का प्रचार। तो ये रस कैसे मिलेगा? तो नाम संकीर्तन के द्वारा। इस रस का अधिकारी कौन है, प्राप्त करने कैसे होनेगा? तो इस एक साधारण प्रयोजन, एक अतरंग प्रयोजन और एक मंजरी भाव का वितरण। हृदय से तो श्री गौरांग महाप्रभु सबको मंजरी भाव देना चाहते,
लेकिन लगता है कि गली गली जगह जगह जाकर के नाम संकीर्तन करते हैं। तो गौर महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा ये तीन प्रयोजन पूरा करने के लिए इस जगत में आए। इसके द्वारा कृष्ण की तीन आवश्यकताएं पूरी हुई। क्या पूरा की कि राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी का जो प्रेम की महिमा है यह क्या है, इस बताने के लिए आए किशोरी जी की प्रेम। और दूसरा है श्री कृष्ण का माधुर्य क्या है, और राधा रानी को श्री कृष्ण की सेवा करने में क्या सुख मिलती है ये जानने के लिए गौर महाप्रभु को ये श्री राधा या प्रणय महिमा के दृश्यवान जीवा एक प्रेम। और श्री कृष्ण प्रेम जब राधा रानी प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण जब प्रेम करते, देखिए किशोरी जी के प्रेम में और कृष्ण के प्रेम में यही अंतर है, दोनों को प्रेम ही अंतर है। प्रेम को छिपा है कृष्ण, प्रेम की लोक लज्जा के कारण छिपाना पड़ता था। तो इस रूप में राधा रानी के मन में आया, राधा रानी की जो अभिलाषा है, राधा रानी कहे कि अब हम इस प्रेम को छिपाऊंगे नहीं, गौर रूप में छिपाए। कृष्णावतार में राधा रानी छिप करके प्यारे श्याम सुंदर से प्रेम करती थी, क्योंकि परकिया रस का स्वादन करना है तो डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकती। इनका जो प्रेम था छिप छिप करके, घुट घुट करके जो प्रेम करती थी, अब गौर अवतार में आई तो अब छिपाना नहीं पड़ेगा, इस प्रेम को छिपाना नहीं पड़ेगा। और गली गली अब कृष्ण नाम गाऊ, राधा रानी का पहले राधा रूप में जब द्वापर में अवतार हुआ तो प्रिया जी अपने मुंह से कृष्ण नाम भी नहीं ले सकती, जावट गांव में नाम मुंह से नाम नहीं ले सकती, क्योंकि बड़ा भारी पाबंदी है, जटिला कुटिला है, सब विपक्षी नायिकाएं हैं, एक बार भी प्रिया जी के मुंह से कृष्ण शब्द निकल जाए तो बड़ा भारी कांड हो जाता था। वो राधा रानी को बड़ा भारी अवहिता भाव, बहुत बड़ा दुख था कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ दर्शन की तो बात दूर, उसका नाम भी मैं नहीं ले सकती। तो श्री गौरांग रूप में प्राप्त होकर के राधा रानी अब गली गली जहां तहां कृष्ण नाम गाती गई। ये कितना बड़ा सौभाग्य मिला कृष्ण को, राधा रानी कृष्ण नाम लेती रहती है हमेशा। पुरुष रूप प्राप्त करके राधा रानी ने ये आवश्यकता पूरा की, अब प्रेम सभी को वितरण किया, सभी को वितरण किया मैंने, वृक्ष को दिया, हाथी को दिया, सर्प को दिया, हिरण को दिया। अरे महाराज उस कृष्ण प्रेम को जीव मात्र को महात्मा ने, ये देखिए कृष्ण की उत्कंठा और राधा रानी की उत्कंठा, ये तीनों उत्कंठा प्राप्त पूरा हुआ है गौरव का। और सखियों की जो पूर्ण अवस्था है, सखियां क्या करेंगी, तो सखियां देखती है कि कृष्ण का प्रेम कच्चा है, पूरा प्रेम नहीं। राधा रानी तो संपूर्ण रूप से कृष्ण से प्यार करती है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में थोड़ा कच्चाई है, पकना चाहिए कृष्ण का प्रेम। क्यों नहीं, प्रेम को पकाना है, कैसे पकेगा, कृष्ण तो प्रेम को पचा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि वेद में उपनिषद में वर्तमान कालीन के जितने ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े विज्ञ लोग हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं आत्माराम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, आप्त समस्त काम है। तो जिनकी कोई कामना ही नहीं है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो प्रेम कैसे करे, प्रेम तो उससे हो नहीं सकता है। प्रेम में तो हमेशा अतृप्ति बनी रहती है, जो पूर्ण काम है आप्त काम है उसको प्रेम का, और प्रेम हमेशा अतृप्त बना था, अतृप्ति नहीं होगी तो प्रेम का स्वादन नहीं होगा। तो इस रस का भी अभाव था श्री कृष्ण में, तो एक कृष्णावतार में पूरा। तीसरा कारण है कि ये प्रेमी हमेशा तड़फड़ाते रहते हैं। कृष्णावतार में श्री गौरांग महाप्रभु इस रस का आस्वादन तो किए, लेकिन कृष्णावतार में गोपियों को प्रेम अर्थात गोपियों को बड़ा कष्ट दिए,
बहुत दुख दिए, तो कृष्ण एक पापी गुरुद्रोही हो गए। तो गुरु द्रोहता को भी हटाना है तो महाप्रभु के रूप में इन्होंने ये भाव रखा। जिस भाव को प्रकट करके यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उसी रस का स्वादन करते हैं, राधा रानी की भाव की स्वादन करते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए किशोरी जी जावट से राधा कुंड आई हैं और राधा कुंड में प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। सब लीला राधा कुंड में मध्यान्ह में लीला चलता है, जल के लिए विलास खेल आँख आँख मिचौड़ी सब लीला है, वहाँ खेलते हैं। इधर मुखरा बहुत देर से इंतजार कर रही है कि अरे राधा रानी कहाँ गई, सूर्य पूजन का समय निकल रहा है। तो उनके मुख से जो बाणी निकला है तो उस बाणी को मैं कब श्रवण करूंगी, कब पूरा करूंगी। अर्थात कृष्ण का जो तेज है, प्रेम है, वो हमारे हृदय में कब प्रकट होगा। प्रिया जी की हृदय में जो प्यार है, ए उनकी वाणी निकली है, उस वाणी का कब आस्वादन किया जाए, कैसे आस्वादन किया जाए। यहाँ पर यही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद देते हुए कहते हैं, वृद्ध मुखरा जी कहती है, नतनी बहुत देर हो गई है, सूर्य पूजन को नहीं जाएगी। तो सोच रही थी आज और किसी के हाथ पूजा करा लूंगी, मैं नहीं जा पाऊँ। हृदय में इच्छा है कि हम जरूर सूर्य पूजन के लिए जाएंगे, प्यारे श्याम सुंदर से मिलेंगे, लेकिन वाणी से कह रही है कि आज हमारा ठीक नहीं है, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। हम सोचती हैं कि इस पूजन को किसी के द्वारा करा लिया जाए। तो मुखरा जी परिहास में करती हैं, सूर्य पूजा तो सखियों द्वारा हो ही नहीं सकती है, ये तो तुझको ही करना। इससे प्रिया जी और प्रसन्न, प्रिया जी प्रसन्न होकर के ईशत हास्य रूपी कर्पूर मिश्रित जो बाणी निकला है प्रिया जी का, वो साक्षात भाव मही महालक्ष्मी अंशनी स्वरूपा कृष्ण प्रिया श्रोमणी शुभानंदनी की हृदय में जो प्यारे श्याम सुंदर के लिए नाम में जो हाँ छिपा हुआ है, उस बाणी को मैं कब श्रवण करूं। ये ब्रज प्रेम की सर्वोच्चता है, उच्चतम कथा है। इस रस का आस्वादन केवल मंजरियां ही करती, मंजरी के अतिरिक्त इस रस का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, पूर्ण है, जिस भाव से मंजरियां प्रिया जी की सेवा करती है, वो ब्रह्म भी नहीं कर पाते। इसीलिए मंजरियों के चरण का आश्रय लेते हैं कि जैसे तुम लोग किशोरी जी की सेवा करती हो, वैसे मैं कैसे कर पाऊ। इस भाव में ही जब श्री गौरांग महाप्रभु के हृदय में ये भाव हमेशा उठता रहता था, गौर के हृदय, तो उसी